एमपी के बालाघाट जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूरी पर दक्षिण सामान्य वन क्षेत्र के जंगल में भीषण आग लगी और यहां पिछले 4 दिनों से जल रही जंगल की आग को बुझाने में वन विभाग नाकाम दिख रहा। ऐसे में जंगल को जलने से बचाने के लिए वन विभाग द्वारा माह फरवरी से जून के बीच फायर वॉचर के नाम पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें विभाग के द्वारा लाखों रुपए का खर्चा भी दिखाया जाता है। बावजूद इसके निरंतर जल रही जंगल की आग को समय रहते नहीं बुझा सका और जिसके कारण आग की चपेट में पूरा जंगल जलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले सीजन में हमारे पास जितना बजट उपलब्ध होता है, बजट के हिसाब से हम लोग फायर वॉचर रखते हैं और स्टाफ प्लस फायर वॉचर और हमारे पास जो चौकीदार हैं और हम लोग गाँव वालों से भी संपर्क में रहते हैं। जैसे आपकी घटना होती है तो हम सभी लोगों से सलाह लेकर और उनको साथ लेकर आग बुझाने के लिए हमेशा हमारे कर्मचारी हमेशा तत्पर रहते हैं। आग बुझाने की कार्रवाई उनको चाहे हम सूचना दें या उनको जैसी सूचना मिलती है तो वो अपने स्तर से भी इस आग को बुझाने के लिए पूर्णतः तत्पर रहते हैं, कार्रवाई की जाती है। सर, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जंगल धू धू कर जल रहा है, इस पर आप इस आग पर कब तक काबू पाएंगे आप? अगर वो पहाड़ चोटी पे स्टाफ नहीं पहुंच पाता और अगर नीचे है जहां आसानी से पहुंच जाए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।